फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन करनी है हाइट ऑफ द टावर। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है, आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको बताइए, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको एंड देन आपको ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स लगाने पड़ेंगे इसमें। तो चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो क्वेश्चन समझ आ गया ना, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 32। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी आपको चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है। एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, इसके टॉप से बनाना है, फ्रॉम द टॉप बोला ना, यानी टॉप से बनाना है। तो जब भी टॉप से बनाएंगे तो एक टॉप से अगर बोला है कि एलिवेशन एंगल है, तो यानी कि जो टावर है वो बड़ा होगा बिल्डिंग से, है ना, क्योंकि बिल्डिंग के टॉप से एलिवेशन लेना है टावर का। तो टावर यानी कि आपका ये होगा, ये टावर है, ठीक है। बिल्डिंग कितनी है, 7 मीटर है और टावर को एच मान लो थोड़ी देर के लिए। अब आपको एलिवेशन एंगल बोला है, तो इसके टॉप से आपने एलिवेशन एंगल बना देना है। इसका एंगल कितना है दिया हुआ है क्वेश्चन में, 60 डिग्री एलिवेशन है, ठीक है। जी 60 डिग्री का है। इसके बाद इसी टॉप से हमने डिप्रेशन बनाया फुट का, किसके फुट का, टावर के फुट का। तो ये इसी इसी टॉप से आपने डिप्रेशन भी बनाना है। डिप्रेशन किसका बनाना है, फुट का, ठीक है। तो डिप्रेशन एंगल जब भी बनाते हैं ना, तो ऊपर से दिखाना चाहिए। डिप्रेशन एंगल कितने का बोला है इन्होंने, 45 डिग्री का। तो इसको आप ऐसे मिला लेना। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गए है ना, एक ये वाला ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। नीचे वाला अगर आप चाहो तो 45 डिग्री को अल्टरनेट करके यहाँ ले आना, क्योंकि डिप्रेशन एंगल है, आप ऊपर से बना के दिखाओगे और फिर नीचे लाना इसे अल्टरनेट करके। अब इसको नेमिंग देते हैं हम, इसका नेम है ए, बी तो आप मान लो बिल्डिंग है और सी डी मान लो पूरा टावर है, टावर की हाइट है। एंड यहाँ पे ये इसको ई पॉइंट मान लो। अब सबसे पहले लिख लेना जो जो चीज़ें आपको क्वेश्चन में मालूम है। तो सबसे पहले आपको लिखना है लेट ए बी क्या है, हाइट ऑफ टावर है, सॉरी बिल्डिंग है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो कितनी दी हुई है, 7 मीटर। और सी डी हाइट क्या है, हाइट ऑफ टावर है, ये आपको एच मीटर मान लेनी है, इसको कैपिटल एच ले लो आप, स्मॉल एच की जगह इस पूरे हाइट ऑफ टावर को हमने कैपिटल एच मान लिया। अब आपको पता है ये 7 है, तो ये भी 7 हो जाएगा ना ईसी। तो थोड़ी देर के लिए इसको हम वाई मान लेते हैं, ठीक है, डी ई को। तो यहाँ पे हमने हाइट ऑफ टावर को कैपिटल एच माना है, और जो कि एच किससे बना है, वाई प्लस 7 से। एच क्या है, वाई प्लस 7, एक वाई और एक 7 है ना, दोनों को प्लस करके एच बनाया आपका। तो डायग्राम सबको समझ आ गया, अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। इसके अलावा और क्या क्या दिया है आपको, ए सी फुट ऑफ टावर से फुट ऑफ बिल्डिंग का डिस्टेंस है, ये आपको दी लिख लेना, ओके। और एंगल भी दिए हुए आपको, आपको ये हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट निकालनी है। तो इसके लिए आपको वाई मालूम होना चाहिए। तो वाई आपको किस ट्राइंगल में दिख रहा है, ये वाले डी ई बी में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पहले ये लिखना पड़ेगा, ए बी सी ई जो है, ये जो ए बी सी ई बना है, ये एक रेक्टेंगल है, क्या है ये, एक रेक्टेंगल है। तो ये 7 ए बी इसके बराबर हो गया यानी 7, और ये ए सी बी ई के बराबर हो जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, ए सी क्या है एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी ई सी क्या है, एक रेक्टेंगल है, जिसमें ये 7 7 के इक्वल और ये एक्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। लिख लेते हैं इसको भी,
ए बी सी ई इज अ रेक्टेंगल बन गया, और रेक्टेंगल में आपको पता है अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगी, तो अपोजिट साइड क्या क्या बन रही है आपकी, ए बी और सी ई, ए बी सी ई के इक्वल हो जाएगा, और दूसरी साइड कौन सी बन रही है, ए सी और बी ई, ए सी बी ई के इक्वल, इनको हमने एक्स मान लिया और ये सेवन है, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल बन रहा है। अब आप दो ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे आपको क्वेश्चन में, पहले हम वाई नहीं, वाई भी नहीं पता एक्स भी नहीं पता, तो ये ट्राइंगल लेने का भी फिलहाल फ़ायदा नहीं है, अभी हम ये ए बी सी ले लेते हैं, क्योंकि ए बी सी में हमको ये पता है और ये निकालना है ना, तो हमें एक पता है ना और एंगल भी पता है, तो हम ये दूसरा निकाल सकते हैं, तो हमें ए बी यूज़ करना है और ए सी यूज़ करना है, तो ए बी अपॉन ए सी क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्यों बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि एंगल जहाँ होता है ये 45 एंगल यहाँ है ना इस लाइन पे, तो ये बेस बन जाएगा, जिस लाइन पे एंगल होता है वो बेस होती है, और इसके अपोजिट वाली लाइन जो होती है ये परपेंडिकुलर होती है, तो हमें हमने क्या लिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 7 बाय एक्स, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस सबको पता है 10 थीटा होता है, तो हमने क्या लिया ए बी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेवन बाय एक्स, सेवन बाय एक्स कौन सा ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल का नाम देख देना, ट्राइंगल एबीसी लिया है ना, अब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा होता है, और 10 थीटा कितना है उस ट्राइंगल में, 45, 10 45 वाली सबको पता होनी चाहिए 1 होती है, तो 7 बाय एक्स 1, तो 7 एक्स के ही बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स तो आ गया आपका, ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, दूसरा ट्राइंगल क्या है दूसरा ट्राइंगल है आपका डी ई बी, इस डी ई बी ट्राइंगल में देखो वाई निकालना है और एक्स तो हम मालूम ही कर चुके हैं, तो अब हम वाई बाय एक्स लेंगे, अभी भी हम क्या ले रहे हैं देखो एंगल 60 यहाँ पे है ना, तो ये साइड बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो हम ले रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अभी भी हम 10 थीटा ही ले रहे हैं, तो डी ई अपॉन ई बी, तो ट्राइंगल डी ई बी में डी ई अपॉन ई बी ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा 10 और यहाँ पे एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, डी ई हमारा वाई और ई बी एक्स है, 10 60 की वैल्यू रख दो √3, एक्स हम निकाल चुके हैं कितना आया था 7 √3, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वाई बन जाए वाई 7 √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 √3, अब हमारे पास हमें पूरी हाइट ऑफ टावर निकालनी है ना, और हाइट ऑफ टावर मैंने आपको बोला था वाई प्लस 7 से बनी है, तो वाई आपका आ गया 7 √3 प्लस 7 कर दो, तो 7 कॉमन ले सकते हो, √3 यहाँ पे 1 बचेगा, 7 बाहर है, तो अब 7, अब आप चाहो तो यही पे सॉल्व छोड़ दो, नहीं तो पूरा सॉल्व कर लो, √3 की वैल्यू 1.73 प्लस 1 कर दो, तो 7 1.73 में 1 प्लस कर दो 2.73, और फिर लास्ट में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कमेंट करके बता दो कितना आ रहा है, वन 911 पॉइंट में आ रहा है, तो इतना अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, ठीक है, तो आप चाहो तो क्वेश्चन में अपना यहीं पे छोड़ सकते थे, बट क्योंकि सब्जेक्टिव है तो इसलिए हमें पूरा करना पड़ेगा, 2 के बाद डेसिमल भी लगाना है यहाँ पे,
तो 19.11 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन सबको समझ आ गया कैसे करना है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का चॉइस वाला क्वेश्चन है, दो पोल्स है, ये पोल्स वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। टू पोल्स है, इक्वल हाइट के है और अपोजिट है एक दूसरे के, आइदर साइड ऑफ द रोड, यानी कि रोड ये है और एक पोल यहाँ पे है और एक पोल यहाँ पे है, दोनों इक्वल साइड के है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है 100 मीटर वाइड रोड है, यानी ये 100 है इस रोड की विड्थ। इसके बाद आपको बोला है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन द रोड, रोड के बिटवीन, बिटवीन अब जरूर नहीं बिल्कुल बीच में होगा, मिड पॉइंट नहीं बोला, तो कहीं भी यहाँ पे एक पॉइंट ले लो यहाँ पे। तो ये पॉइंट से ना हमने एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पोल्स के बनाए, टॉप ऑफ पोल मतलब एलिवेशन है तो नीचे से ऊपर बनेगा पोल के टॉप पे और एक यहाँ बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा और ये एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री। अब हमें नहीं पता कौन सा 60 है कौन सा 30, तो आप देखो जो ज़्यादा स्लेंट है वो 30 होगा और जो कम स्लेंट है ये 60 होगा, जो कम स्लेंट होता है वो 60 होगा और जो ज़्यादा स्लेंट होगा वो 30 होगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसका डायग्राम बनेगा। उसके बाद आपको दोनों पोल्स की हाइट निकालनी है आपको, तो डायग्राम तो सबको समझ आ गया, अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं, डायग्राम समझ आ गया ना सबको। रोड है 100 मीटर, दो पोल है अपोजिट एक दूसरे के, यानी ये दोनों पोल है इक्वल हाइट दे रखी है, तो इसकी भी एच मान लो और इसकी भी एच मान लो। उसके बाद क्वेश्चन में बोला एक पॉइंट लिया इस रोड के बीच में कहीं पे, जरूर नहीं बिल्कुल बीच में लेंगे, कहीं साइड में भी ले सकते हैं बट रोड के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन एक बार इसके टॉप का बनाया और एक बार इसके टॉप का बनाया हमने। ठीक, तो पोल की लेंथ हम ए बी और सी डी ले लेते हैं और ये पॉइंट पी ले लेते हैं यहाँ से। अब ये जो एलिवेशन एंगल बनाया हमने एक 30 का और एक 60 का, तो ये समझो जो ज़्यादा स्लेंट होता है ना वो छोटा एंगल होता है और जो थोड़ा कम स्लेंट होता है ना वो बड़ा एंगल होता है, तो ये 60 होगा। अब आप पहले थोड़ा सा लिख लो क्या क्या दिया हुआ है आपको, लेट हाइट ऑफ पोल्स कितनी कितनी है, ए बी एंड सी डी है ना, ए बी एंड सी डी दोनों इक्वल है तो हमने दोनों को एच एच मान लेना है। और जो डिस्टेंस है ए सी पोल्स के बीच का, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स या रोड का, आपको 100 दिया है। अब इस डिस्टेंस को आपने दो पार्ट से डिवाइड कर देना है, ये पूरा डिस्टेंस 100 है ए से पी तक एक्स ले लो, तो पी से सी तक 100 - x हो जाएगा। ठीक है, अब आप दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, एक ही राइट एंगल ट्रायंगल है और एक ये, तो पहले ए पी बी लेंगे और फिर उसके बाद ए सी पी डी लेंगे। इन ट्रायंगल ए पी सी
आपको h और x ये दोनों ही नहीं मालूम, बट दोनों यूज़ कर रहे हैं, तो h बाई एक्स क्या होगा? ये भी परपेंडिकुलर पर बेस है ना, क्योंकि एंगल जहाँ है वो बेस है और जो उसके अपोजिट है वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पर बेस। ए बी अपॉन ए बी क्या होता है? 10 60। ए बी एच है, ए पी कितना है? एक्स माना है हमने, और 10 60 कितना होता है? √3। तो h क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h बन जाए h और x √3 आ जाएगा। सेम ऐसे ही अब आप दूसरा ट्राइंगल ले लेना, अब की बार हम लेंगे सी पी डी, इसमें भी हम क्या लेंगे? ये अपॉन ये, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि एंगल जहाँ है वो बेस है, 30 का एंगल यहाँ है ना, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो h बाय 100 माइनस x 10 30 हो जाएगा। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? सी पी डी। तो साइड है कौन कौन सी यूज कर रहे हैं? सी डी और सी पी। टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई एच √3, बल्कि एच को ना आप यहाँ से सब्सटीट्यूट कर लो, एच क्या है? एक्स √3, तो एच की जगह ना यहाँ पे एक्स √3 यूज कर लो, एक से निकालो दूसरे पे रख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक्स के लिए सॉल्व हो जाएगा, एक्स √3 को √3 से करोगे तो एक्स तो एज इट इज √3 √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, एंड 100 माइनस एक्स 1 से होगा तो 100 माइनस एक्स आ जाएगा। फिर एक्स को सेपरेट कर लो, एक्स एक तरफ करो 4x हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना। अब एक्स की वैल्यू निकालनी तो 100 4 डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में कट के 25। एक्स की वैल्यू आप चाहो तो एच में रख लो यहाँ पे, तो एक्स की जगह हमने क्या रखा? 25, साथ में √3, तो हाइट ऑफ पोल भी आ जाएगी। हाइट ऑफ पोल आ गई आपके पास और ये एक्स डिस्टेंस आ गया, बट आपको क्वेश्चन में एक और चीज़ निकालनी है। एक तो आपको हाइट, वैसे तो हाइट ही बोली थी क्वेश्चन में, बट कई बार यहाँ पे ना इनका डिस्टेंस भी होता है, ये रोड का डिस्टेंस, पॉइंट का डिस्टेंस, तो एक्स तो आ गया, दूसरा डिस्टेंस 100 माइनस एक्स करके आ जाएगा, यानी 100 माइनस 25 कितना होगा? 75 हो जाएगा, है ना। तो ये भी तो कई बार ये दोनों डिस्टेंस निकालने को कहते हैं, तो ये 25 है तो ये 100 माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, किस किस को ये क्वेश्चन समझ आ गया? हाइट ऑफ पोल हमें निकालनी थी, ये हमारी आ गई है। आप चाहो तो √3 की वैल्यू रख देना 1.73, उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्टी थ्री क्वेश्चन,